तेरे ही हुक्म से सांस मेरी रवा, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्शो निशा, तेरे ही दम से जबा पर जहूर लफ्जो बया, तेरी निगाहें करम ही से रक से शोलाए जा, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं। ओशो के गांव में, ओशो की छाव में से 15वां अध्याय, महाराष्ट्र की झंकार। बिहार में ओशो कार्य को करते हुए लगभग 25 वर्ष होने आए थे। बुद्ध महावीर की इस पावन भूमि पर ओशो के अंगारों के जो बीज हम मित्रों ने इन 25 वर्षों में बोए, अब उनकी तपिश प्रांत के बाहर तक भी जाने लगी थी। उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश से कई बार मित्रों के आग्रह आते पर मैं टाल जाता, किंतु अब वह समय आ गया था जब ओशो के कार्य को एक विस्तृत फलक पर ले जाने हेतु नई सीमाओं की बयार का पाखीवन उद्घोष करना आवश्यक जान पड़ने लगा था, और शीघ्र ही इसकी भूमिका भी तैयार हो गई। 1997 में रुद्रपुर, उत्तर प्रदेश के एक शिविर से इस आंदोलन का आगाज हुआ। वह शिविर तो बहुत सफल नहीं कहा जा सकता, परंतु नींव के पत्थर का कार्य उसने किया। उस शिविर में मथुरा और गाजियाबाद के मित्रों से मिलना हुआ। आनन फानन में गाजियाबाद शिविर की आयोजना हेतु तारीखें तय हुई और आगामी फरवरी 1998 में यह शिविर हुआ। इस शिविर में स्वामी अंतर जगदीश, स्वामी अंतर रजत, स्वामी गोविंद चैतन्य, स्वामी चेतन विस्तार व अन्य मित्र मेरे संपर्क में आए। मथुरा के स्वामी जीवन मौलिक ने मथुरा में आगामी शिविर की प्रस्तावना रखी और इसी वर्ष के अंत में उस सफल शिविर के साथ मीरा का जीवन चरित्र पर एक नृत्य नाटिका संतन ठीक बैठी बैठी का मंचन माध्यानाभाव सहयोगी कलाकारों ने किया। इसके आयोजन हेतु स्वामी जीवन मौलिक जी ने अथक श्रम व समर्पण का परिचय दिया। इस नाटिका की समाप्ति पर स्वामी अंतर जगदीश माध्यानाभा के विवाह की बात भी निश्चित हुई। इसके पूर्व गाजियाबाद में अक्टूबर 1998 में एक त्रिदिवसीय शिविर के आयोजन के बाद अनेक मित्र कार्य को और बड़े स्तर पर करने के लिए एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मोदीनगर, मुरादाबाद व अन्य स्थानों जैसे ग्वालियर, अलवर, हिंडौन, मानसा, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर और भी न जाने कितने स्थानों से मित्र जुड़े। कार्यों की रूपरेखाओं के बीच अनेक प्रस्तावनाएं मेरे पास आने लगी। समस्त उत्तर भारत त्रिदिवसीय शिविरों की डेट्स मांगने लगा। एक एक माह में तीन तीन चार चार शिविर होने लगे और तब मित्रों के आग्रह पर ओशो ध्यान शिविरों की विशेष धाराएं प्रारंभ करने के अद्भुत विचार को मूर्त रूप दिए जाने हेतु श्रम किया गया। ओशो सागर के तल पर बिखरे अनेक मणि माणिकों को समेटकर, अलग अलग चुनकर, व्यवस्थित कर मित्रों के सामने शिविरों के नए रूपों में प्रस्तुत किया गया। इस कार्य हेतु अवधेशी, शिल्पी व कुछ अन्य मित्र मेरे निर्देश बिंदुओं को समझते हुए खूब श्रम करते थे। ओशो भक्ति शिविर, ओशो सूफी शिविर, ओशो हास्य शिविर, ओशो कला शिविर और इसी भांति के अनेकानेक मौन सत्रों जैसे ओशो गुरु शिष्य सत्संग मौन सत्र, ओशो बौद्ध साधना सत्र, ओशो जिन साधना सत्र आदि के आयोजन तेजी से होने लगे और अनेक साधक मित्र इन शिविरों में आने लगे। आरंभ में कुछ मित्रों और पुराने सन्यासियों ने यह कहकर मेरी आलोचना करना प्रारंभ किया कि स्वामी आनंद वैराग्य अपने मन से कुछ भी करा रहे हैं और ओशो ने मात्र 3 दिवसीय शिविरों को ही तरजीह दी है। किंतु ओशो ने किस बात को तरजीह दी है यह मैं जानता था और अपनी चेतना के अतिरिक्त मुझे किसी भी और को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता न थी। मैं साधक मित्रों के आग्रह और उनकी प्यास के अनुरूप इन शिविरों की रूपरेखाएं बनाता, संचालन करता और अनुकूल परिणाम सामने आते रहे।
इस सब के आधार में निष्ठावान व परिश्रमी मित्रों की एक मजबूत टीम थी। ये लोग रातों रात जादू करने की कला जानते थे और मेरे आत्मीय थे। सारा उत्तर भारत शिविरों के आयोजन से भर उठा। मेरे इर्द-गिर्द ये सन्यासी मित्र किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन आयोजन को भी सफलतापूर्वक संचालित करते थे। मैं सहयोगी मित्रों से जहाँ तक संभव हो ओशो कार्य के वास्तविक उद्देश्यों, अपनी साधना एवं शुद्धि के बाबत समय समय पर निरंतर चर्चा करता, विमर्श करता और साधनात्मक जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण में ईमानदारी रखने का आग्रह करता। और धीरे धीरे यह छोटी सी टीम मेरी आत्मीय हो गई। अचानक एक अद्भुत योजना इसी समय मेरे सामने आई। इन मित्रों ने मुझसे कहा कि शिविर आयोजक मित्र अपने शिविरों में कार्य के दबाव के कारण ध्यान नहीं कर पाते और आपके शिविरों के ऐसे आयोजक भी उत्तर भारत में बहुत हो चले हैं जो मात्र आप ही के शिविर आयोजित करते हैं। क्यों न मात्र उन आयोजक मित्रों हेतु एक शिविर हो जिसमें शिविर आयोजन संबंधी सभी सूक्ष्म बिंदुओं पर विमर्श भी हो और आगामी कार्य की आयोजन की कुछ सुगठित भूमिकाएँ भी बने। विचार बहुत उपयोगी था और फिर उसका तुरंत क्रियान्वयन भी हुआ। ओशो जागरण ध्यान केंद्र ग्वालियर के मित्रों के सहयोग से आयोजकों का प्रथम शिविर ग्वालियर में आयोजित हुआ और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। इसी शिविर में भविष्य में हिमालय में शिविर आयोजित करने हेतु एक विशेष टीम की संरचना भी हुई। इसके बाद एक ऐसा ही शिविर वाराणसी के आश्रम में हुआ। इन सभी आयोजनों में स्वामी बोधि अजीत, स्वामी जीवन मौलिक, स्वामी चेतन विस्तार, स्वामी नीरव कल्याण, माँ अनुरागिनी, स्वामी हरिश्चंद्र भारती, स्वामी प्रकाश यात्री व माँ जीवन सरिता व अनेकानेक मित्र इस आग्नेय आंदोलन की नींव में रहे और कार्य करने की सफल भूमिका का निर्वाह किया। ओशो के संदेश को फैलाने में समय, शक्ति, श्रम एवं धन लगाने वाले इन मित्रों का जुनून इस काफिले को उस मुकाम पर ले आया जहाँ से कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता था। प्यारे मित्रों, साधुवाद, आशीर्वाद। आज यह सब सोचते हुए ये सभी सन्यासी मित्र मेरी आँखों के आगे आ रहे हैं और दीवानगी और जुनून के वे क्षण आज भी मेरी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी मित्रों के प्रति मेरे मन में नमन के भाव हैं जो किसी भी कठिनाई की परवाह न करते हुए दिन रात ओशो की मशाल लिए गली कूचों, बस्ती, शहरों में घूमे, हर समस्या को लांघकर कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और अनेकानेक खट्टे मीठे अनुभवों का खजाना लेकर जीवन में और समृद्ध हुए। ये मित्र जाने या न जाने, पर सच यही है कि सद्गुरु के हाथों का सहारा बनते हुए इस महत् कार्य में अपना अंशदान देते हुए ये सभी जीवन के उस अनजाने पथ पर अग्रसर हुए हैं जिसकी झलक बिरलों को ही मिलती है और सही समय आने पर ये इसके महत्व को भी समझेंगे। शिष्य के जीवन में यह सब सद्गुरु के हाथों रचा जाने वाला महारास है। ओशो ने इस महारास में नए नए रंग जोड़ दिए हैं, ढंग जोड़ दिए हैं, नई भाव भंगिमाएँ जोड़ दी हैं और सभी को आमंत्रित कर दिया है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बस हमारा मनुष्य होना काफ़ी है, ऐसा असीम आकाश दिया है उन्होंने। यह तो हम पर निर्भर है कि हम इस मुक्त गगन के पंछी बन अपने पंख खोले, इस महारास में लीन हों या अपने अपने पिंजरों के भीतर सुरक्षित रहें। मैंने ऐसा करके देखा और पाया कि सच्ची सुरक्षा तो मुक्त गगन की उन हवाओं में ही है, दूर आसमानों की उन उड़ानों में ही है जो सद्गुरु शिष्य के लिए उपलब्ध कराते हैं। शिष्य की हर संभावना को वास्तविक बनाने के लिए अस्तित्व के वे द्वार दरवाजे खोलते हैं जो शिष्य स्वयं कभी नहीं कर सकता। सच्चा शिष्य वही है जो सद्गुरु की वाणी ही नहीं वरन उनके इशारे को भी समझे, उन पर चले। इस भांति चलना ही इस महारास में भागीदारी है। खोजियों, तुम नहीं मानोगे लेकिन संतों का कहना सही है, जिस घर में हम घूम रहे हैं उससे निकलने का रास्ता नहीं है। शून्य और दीवार दोनों एक हैं, आकार और निराकार दोनों एक हैं। जिस दिन खोज शांत होगी
तुम आपसे यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं खोने की थी, यानी तुम सचमुच में जो हो वही होने की थी, पर खोजियों तुम नहीं मानोगे। जो घर बारे आपनों से आज का पत्र। शुभाशीष। अंतर यात्रा पर बढ़ते चरण सूक्ष्म अति सूक्ष्म जगत के द्वार दरवाजे खोलते चलते हैं और साथ ही रहस्य के पदचाप भी सुनाई पड़ने लगते हैं। इस कारण यह शरीर भी विभिन्न चक्रों के आसपास आंदोलित होने लगता है। बाह्य परिधि की हलचल हमारे संकल्प को पुनः पुनः उकसाती है और इस प्रकार जीवन की व्यस्तताओं में इसका स्मरण हमें केंद्राभिमुख बनाए रखता है। आप ऑफिस में हों या यात्रा पर, घर में हों या आश्रम में, अपनी शून्यता, साक्षी भाव, सजगता के किसी भी आयाम को उस स्थिति या परिस्थिति में बनाए रख सकते हैं। ध्यान विधियों का निर्धारण इसी आधार पर होगा। शेष आनंद। आपका आनंद वैराग्य। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, हो कर सवार प्यारे सद्गुरु की नाव में।